क्या कोई डिमांड है आपकी भी? है गाइस, आज आपको ना मैं एक हंसी वाला हंसी की बात, आप बोलोगे कि आज। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप लोग कैसे हैं? आई होप, आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। मैं ब्लॉग शुरू, मेरे पीछे आ गया, कहाँ है, दिख नहीं रही कैमरे में। तो काम कुम तो सारा खत्म हो गया, नाश्ता भी कर लिया हम नंदन ने, तो वही अपने दही के साथ परोंठी खाई, तो मैंने भी सारा काम खत्म कर दिया। हाँ जी बोलिए, बोलिए। हाँ जी, क्या कोई डिमांड है आपकी भी? है गाइस, आज आपको ना मैं एक हंसी वाला हंसी की बात, आप बोलोगे कि आरती क्या बोल रही है। मैं आपको एक बात, आज इससे ना, ये जो मैंने ये तस्वीर लगी ना आपको, मैं इसकी एक बात बताती हूँ हंसी वाली। मैंने जब मकान का टाइल का काम लगाया ना, तब अनुंदा के पापा घर में थे, तो ना वहाँ मैंने बोला इनको कि टाइल लगवानी, वहाँ तस्वीरें बहुत सारी दिखाई मुझे ना, ये पसंद आई, मैंने बोला ये मैं लगवाऊंगी। तभी मेरे टाइल का ही काम चला था, तो मेरी ना नानी जी आए हुए थे, तो मेरी नानी ना पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती है, नानी जी आए हुए थे, तो ना नानी जी को पकड़ के लाया, तो ना इधर बिठा दिया पूजा करने के लिए। बोलती ये ना मीरा की फोटो लगाई हुई है, तो मैंने कहा हाँ, एक मत की वे टाइल की फोटो है लगाई हुई, कहा हाँ मीरा की है। ध्यान से देखे, बोलती मीरा ऐसे कपड़े तो नहीं पहनती थी। तो मैंने बोला, मैं नानी इसका मतलब कि तेरे को दिखाई देता है? बोलती नहीं देता, थोड़ा कम देखता था, लेकिन देता है दिखाई। मैंने कहा चल ठीक है, अच्छी बात है। तो ये तब लगवाई थी, लेकिन ये मुझे बड़ी पसंद आई। लेकिन इन्होंने क्या किया, भैया ने थोड़ी नीचे लगा दी, इसको थोड़ा ऊपर करके लगाना था ताकि वो ये शीशे के साथ ऊपर, लेकिन बीच में क्या था कि स्विच आ रहे थे, स्विच लगाने की प्रॉब्लम हो गई थी, तो भैया ने ना थोड़ा सा नीचे करके लगा दिया। ये देखो ये चीज़, ये बड़ी बहुत मतलब काफ़ी लोगों ने पसंद की है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी लोगों ने पसंद की, बोलती कि ये बड़ी प्यारी लगती है। तो इसके साइड से ये बॉर्डर बना दिया भैया ने, और बीच में ये टाइल लगा दी, तो ये तस्वीर लगाई, बड़ी प्यारी लगती है। देख कभी को मैं इसके आगे अच्छी चेयर रख देती हूँ, बैठ जाते कोई, तो ये बोलते कि नहीं साइड पर रखा कर, अच्छी लगती है ये। तो काफ़ी लोग जो देखते हैं ना, बोलते हैं बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन ये कि थोड़ा नीचे लगी है, इसको थोड़ा सा ना थोड़ा सा ऊपर करके लगाते ना तो ज़्यादा अच्छी लगनी थी, लेकिन ये मेरी लॉबी में ना काफ़ी अच्छी लुक देती है, प्यारी लगती है ये वैसे। इधर ही ये रहा मेरा मंदिर, पूजा की थी, पापा की तस्वीर लगी हुई है। हाँ जी, और आज मैं बना रही हूँ तोरी की सब्जी। ये मैंने तोरी की सब्जी निकाल के रखी है, ये बनाऊंगी क्योंकि मैंने चने भिगो के रखे हुए हैं, ये मैंने चने भिगो के रखे हुए हैं, बीच में चने डालूंगी, लेकिन अभिनंदन नहीं खाएगा, उसके लिए मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा। अभी मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए क्या बनाऊँ। और आप चलो बाहर किचन से, आपको कोई काम नहीं, चल 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 चल, नहीं है पनीर, खत्म है पनीर, चल 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 चल, बिल्कुल नहीं। क्या खाना है, क्या खाना है? पानी पीना है, ले आ जा पानी पीना, आ ला पानी पीना, आ जा ले, आ जा पानी, पानी पीना पीले पानी नहीं पीना, बस क्या है इसको, कुछ चाहिए, मेरे पीछे पीछे घूम रही है, क्या चाहिए है बताओ मेरे को, क्या चाहिए? ये बनाई मैंने तोरी और चने डाल के, आज मैंने बनाई है तोरी और चने की सब्जी, देखिए कितनी अच्छी बनी हुई, इतनी टेस्टी बनी ना। एक टमाटर डाला था बस मैंने, प्याज पूज हरी मिर्च वगैरह डाली है, और ये देखो ये, और अभिनंदन के लिए मैंने मुझे अलग से जो मटर पनीर डालना पड़ेगा, ये शाम को भी चल जाएगा, अभी मम्मी और मैं ये खा लेंगे, अभिनंदन खाना खा रहा है, उसको पानी दे के आती हूँ ये वाले। ले बेटा पानी, दो बोटलें पानी की, वो दो ही काटे मैंने, दो काटे हैं, एक तो मैंने अभी खा लिया, क्या अभी खा लिया, मैंने दो नाखे काटी हैं, दो हाँ, तो एक तो मैंने खा भी लिया, तो अभी एक पूरा, अच्छा चल ठीक, अरे ये देखो खा लेंगे, ले तुम ही खा, खाना
नहीं खानी? नहीं खा रही। अभी सब्जियां बन गई मेरी, खाना अभी मैं लगी रोटी बनाने, मम्मी को खाना दे के उसके बाद मुझे करनी है किचन की सफाई। आज मेरा किचन है यहाँ नीचे से बड़ा गंदा हुआ है, इनको मैं पूरा साफ करूँ। ये दाग लग जाते हैं ना ये चीज के, पूरा मुझे अब क्लीन के साथ मुझे यहाँ पूरा साफ करना पड़ेगा। ये 10-15 दिन के बाद साफ करना पड़ता है। अभिनंदन खाना खा ले, मैं आई जरा मम्मी को खाना दे के। ये देखो रोटी, चावल, अचार और साथ में तोरी की सब्जी चने डाल के। आए मम्मी खुश खुश होकर खाना खाएगी। अच्छा सुन, मैं दरवाजा बंद कर रही हूँ। अच्छा आइया, हम बाहर बैठी थी, मैंने दूध रखा, मेरा दूध उबल गया। ये देखो पूरा उबल गया। कई लोग बोलते हैं दूध उबलना शुभ होता है, पर पता नहीं, लेकिन दूध उबल गया। गर्मी बहुत ज़्यादा, लाइट बंद है, इन्वेटर भी जवाब दे रहा है। अभिनंदन के पापा ने जूली को नहलाया, जूली को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, आप खुद भी नहाने लगे हैं और अभिनंदन भी नहाने लगा है। देखो जूली बैठी हुई इधर, ये नहा के बिल्कुल ठंडी होकर बैठी हुई है। क्या हुआ, छत पे आवाज आई ना बच्चों की, देख छत पे भाग गई तो। हाँ बच्चे बोल रहे हैं ना ऊपर, कार्तिक और तभी ये भागी है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आज मेरा ब्लॉग थोड़ा छोटा सा बना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ब्लॉग बना ही नहीं। तो अभी इन्वेटर बोलते हैं बल्ब सारे बंद किए हुए, एक ही बल्ब जगाया हुआ है, तो ये बोलते हैं तो ब्लॉग जल्दी से एंड करते क्योंकि इन्होंने जाना नाइट ड्यूटी, नाइट ड्यूटी जाएंगे तो फिर एडिटिंग कर देंगे। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलना। और कल नई वीडियो के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक लिए गुड नाइट, बाय बाय।